I am Shubhangi Jain from IIME International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 15 of your SST portion, that is India Wins Freedom. Now chapter number 15, India Wins Freedom, कि इंडिया ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी फ्रीडम कैसे पाई. तो इसमें कुछ मूवमेंट्स थे हमारे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी जलियांवाला बाग मैसेकेयर, साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स, रोल ऑफ महात्मा गांधी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस. इन सब के थ्रू ही हम हमारी इंडिया की फ्रीडम गेन कर पाए थे. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल और उसके बाद इंडियंस ने कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को अटेन किया. नाउ टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, क्या हमारे ऐसे स्टेप्स थे जिसकी वजह से हम टूवर्ड्स इंडिया के इंडिपेंडेंस की तरफ मूव किए. इन द प्रीवियस लेसन यू रीड टिल द फॉर्मेशन ऑफ INC, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई. दिस लेसन कंटिन्यूज एंड इन्फॉर्म्स अस अबाउट ऑल द मेजर इवेंट्स अंटिल इट्स फ्रीडम वॉज अटेन्ड बाय इंडिया. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब तक हमने हमारी फ्रीडम गेन नहीं कर ली, तब तक हमने ऐसे कौन कौन से मूवमेंट्स थे जिनमें पार्टिसिपेट किया और हम हमारी फ्रीडम को अचीव कर पाए. तो पहला मूवमेंट था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल. इन 1905 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड और पार्टीशन बंगाल. 1905 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम जो बंगाल है उसको डिवाइड करेंगे, उसका पार्टीशन करेंगे. वन हाफ वॉज टू हैव अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स वाइल द अदर हाफ वॉज टू हैव अ मेजोरिटी ऑफ हिंदूज. तो इनका मानना ये था कि हम बंगाल को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आधे पार्ट में कौन होगा, मुस्लिम्स, और आधे पार्ट में हिंदूज. दिस मूव एंगर्ड द पीपल एज दे फेल्ट दैट ब्रिटिश वॉज प्रिवेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट दैम. अब इंडियंस को समझ में आ चुका था ऑलरेडी ये कि जो ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या है, हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर देना, ताकि वो अगर यूनाइट नहीं होंगे तो किसके अगेंस्ट रिबेल नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल द कांग्रेस लॉन्च्ड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. अब इस पार्टीशन को रोकने के लिए जो हमारे रिबेलियंस थे, जिसमें हमारी कांग्रेस का सबसे ज़्यादा रोल था, उन्होंने नए मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जैसे कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स. नाउ फर्स्ट मूवमेंट वॉज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. ये किस चीज़ के अगेंस्ट था, ताकि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो बंगाल का पार्टीशन नहीं कर सके. द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज पीपल टू यूज़ गुड्स मेड इन इंडिया. इसमें लोगों को ये समझाया गया, ये इस चीज़ के लिए एनकरेज किया गया कि वो गुड्स यूज़ करें जो इंडिया में बने हैं. एट द सेम टाइम पीपल वर एनकरेज टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स. और उसी टाइम पर इनको ये भी समझाया गया कि आपको इंडियन गुड्स यूज़ करना है और ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करना है. द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट गॉट अ मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक. और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, लोगों से इसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए. ह्यूज बॉनफायर्स वर लिट इन विच फॉरन गुड्स वर बर्न्ड. बड़ी बड़ी आग जलाई गई जिनमें क्या था, बॉनफायर्स में फॉरन गुड्स को जला दिया गया था. मैनी वुमेन एंड स्टूडेंट्स केम फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दीज मूवमेंट्स. बहुत सी ऐसे वुमेन्स और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भी इस मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया. द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू सप्रेस दीज मूवमेंट्स एंड वर अलार्म बाय द अप्रोर ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की और वो अब इस चीज़ से अलार्म हो चुके थे कि लोग हमें बंगाल का पार्टीशन नहीं करने देंगे. दे इवेंचुअली डिसाइडेड टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911. और इसी से अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि इंडियंस हमें अलाउ नहीं करेंगे बंगाल को डिवाइड करने का, तो उन्होंने वापस से 1911 में बंगाल को रीयूनाइट किया. नाउ द नेक्स्ट इज राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज. ड्यूरिंग द सेम टाइम बंगाल विटनेस्ड द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी. इसी टाइम पे बंगाल्स में क्या था, रिवोल्यूशनरीज का राइज हुआ. यू हैव रीड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स टू मेक द ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर डिमांड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि रेडिकल्स और मॉडरेट्स दो ग्रुप्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, जो क्या करते थे, अपनी डिमांड्स को फोर्सफुली मनवाते थे किससे, ब्रिटिशर्स थे. तो हाउएवर रिवोल्यूशनरीज बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया ओनली थ्रू फोर्स. और वही सेम चीज़ अब रिवोल्यूशनरीज का मानना भी यही था कि हम ब्रिटिशर्स को कैसे भगा सकते हैं इंडिया से, फोर्सफुली ही भगा सकते हैं. और बिंदो घोष, वीर सावरकर एंड अजित सिंह, ये बंगाल रिवोल्यूशनरीज थे. सम ऑफ देम वर लेटर अरेस्टेड एंड हैंग. जिनमें से कुछ को तो बाद में अरेस्ट करके हैंग भी कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी. अब इतने सारे रिवोल्यूशनरीज अराइज हुए तो उसमें एक नाम और था, महात्मा गांधी. इनका क्या रोल था, महात्मा गांधी हैड स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड. ये इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आए थे, उन्होंने कानून की पढ़ाई करी थी वहाँ पे, इसलिए इनको काफ़ी रूल्स पता थे. देयर आफ्टर ही हैड मूव टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस. उसके बाद ये साउथ अफ्रीका में मूव कर गए, वहाँ पे इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी.
वाइल इन साउथ अफ्रीका ही वॉज अपेल्ड एट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन साउथ अफ्रीका में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी इंडियंस और साउथ अफ्रीकन्स के बीच में क्या था, भेदभाव किया जाता था. इसी वजह से इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट फील करना पड़ा. ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट थ्रू सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया साउथ अफ्रीका में. और कौन कौन से ऐसे मूवमेंट थे जिनका नाम था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, इन मूवमेंट्स के थ्रू ये प्रोटेस्ट कर रहे थे. अंडर हिज लीडरशिप बिगेन द लास्ट फेज ऑफ आर फ्रीडम स्ट्रगल. इन्हीं की लीडरशिप के बीच साथ ही हमारे इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसका लास्ट फेज स्टार्ट हुआ कब, आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में. जब ये इंडिया में रिटर्न कर गए तब हमारी इंडियन फ्रीडम का लास्ट फेज चल रहा था. ही ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल. इन्होंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया और धीरे धीरे हर जगह को ट्रैवल करके इन्होंने जाना कि वहाँ के लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. ही वॉज शॉक्ड एट द कंडीशन ऑफ पुअर. इन्होंने जब वहाँ के पुअर्स की कंडीशन देखी तो इनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा. He fought against both the British as well as the certain social and religious evil practices of the people. इसीलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए तो लड़ाई की ही सही, पर साथ ही ये हमारे इंडियन में जो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी, सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो एविल थी, बुरी थी हमारी सोसाइटी के लिए, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने फाइट किया. ही आस्क्ड द पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन्होंने पूरी कोशिश करी, हर तरह से प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अनजस्ट लॉज है उनको ये स्टॉप कर सके. तो ये रोल किसका था, महात्मा गांधी का.